उत्तराखंड मार्का की 212 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। सेलाकुई पुलिस ने सैकड़ों पेटी अंग्रेजी शराब जब्त तो की, लेकिन मीडिया के सवालों से बच निकलने में अपना फायदा समझ रहे हैं। थाना सेलाकुई में थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लगभग 212 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और पुलिस जहां अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही है, हमारे संवाददाता द्वारा जब उन्हें पकड़ी गई शराब के संबंध में वर्जन देने के लिए कहा गया, तो सेलाकुई के थाना अध्यक्ष वर्जन देने से बचते नजर आए। अब शराब कहां पकड़ी, मीडिया के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। उसके बाद संवाददाता डीजीपी कार्यालय देहरादून जाकर वर्जन लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि डीजीपी साहब हरिद्वार में किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे। ऐसे में पुलिस का वर्जन लेने के लिए उत्तराखंड सीमा के अंतिम छोर से अगर पत्रकार को वर्जन लेने के लिए देहरादून जाना पड़ेगा, ऐसे में खबर में देरी होने पर खबर का महत्व खत्म हो जाता है। पुलिस के इस उदासीन रवैये से उक्त घटनाक्रम की जानकारी को छुपाया जाना प्रतीत होता है। नवभारत समाचार सेलाकुई उत्तराखंड से आदेश गुप्ता की रिपोर्ट।